दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन पे। दोस्तों राजस्थान जीडीएस भर्ती 2020 ग्रामीण डाक सेवक, दोस्तों आपको इसमें सैलरी कितनी मिलती है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी दी जाती है। और दोस्तों साथ में जो कि राजस्थान जीडीएस का कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो वीडियो आ गई है, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि राजस्थान जीडीएस भर्ती में सैलरी कितनी मिलती है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। जैसा कि देख रहे हैं कि ए टोटल ऑफ 3262 वैकेंसी हैज़ बीन जनरेट बाई राजस्थान सर्कल सेकेंड इंडियन पोस्ट। तो दोस्तों जैसा कि 3262 पोस्ट के लिए अप्लाई तो हो चुका है, जो कि इसकी लास्ट डेट थी, आप देख नीड्स टू बी फिल्ड बिफोर 21 जुलाई, पहले पहले आपको फॉर्म भरना था, जो कि ये डेट निकल चुकी है, फॉर्म भरे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों बता दें आपको, द रिक्वायरमेंट इज़ डन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो कि दसवीं पास जो भी अभ्यर्थी किए थे उनके लिए वैकेंसी थी। और साथ में आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पे आपको बता दें, कैंडिडेट हु हैव अटेंड द मिनिमम एज, जो कम से कम एज रखी थी वो 18 साल थी, और ज़्यादा जैसा कि हाउ ओवर कैंडिडेट अबव जो कि 40 साल से ऊपर नहीं होना था। तो ये हम कह सकते हैं कि 18 से 40 साल के जो भी अभ्यर्थी दसवीं पास किए थे वो इस फॉर्म को भर चुके हैं। दोस्तों साथ में आपको बता दें कि टोटल ऑफ जो कि 12 से 14,500 रुपये दिए जाते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर को, जो पोस्ट मिलती हैं उनको पेमेंट जो कि 12 से 14,500 तक दी जाती है। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, यानी ये हम कह सकते हैं ए बी पी होता है, और उनको जो कि उनकी सैलरी जो आपको देख सकते हैं डाक सेवक, और जो है कि 10 से 12,000 रुपये उनको पर महीने दी जाती है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनकी सैलरी 12 से लेकर 14,500 के बीच में रहती है, और जो वहीं पे एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनकी सैलरी जो कि 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में उनकी सैलरी रहती है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि सैलरी कितनी मिलती है एबीपीएम जो डाक सेवक होते हैं, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नई वीडियो आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों